वेलकम टू साइडलाइन नीति। तो आज हम बात करेंगे टॉप फोर अटैक ऑन टाइटंस मूवी मिस्टेक बेस्ड ऑन मांगा। मतलब मांगा में जो कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स है जो मूवी में बिल्कुल नहीं दिए, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मांगा में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर वन, एरेन यागर। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, एरेन यागर जो अटैक ऑफ टाइटन के मेन हेडलाइन यानी कि मेन स्टोरी है यानी कि मेन कैरेक्टर, वहाँ पे मूवी में और एनिमे यानी कि मांगा में काफ़ी ज़्यादा गैप में मतलब स्टोरी लाइन में अलग अलग दिखाया है। जैसे कि मैंने कहा मिकासा वहाँ पे उसके मांगा में उसके पूरे साथ रहती है 5 साल, पर यहाँ पे मूवी में 5 साल का गैप दिखाया है यानी कि मिकासा वहाँ पे स्टार्टिंग से वह गायब हो जाती है और एरेन वहाँ पे उसको ढूंढता है। और जैसे कि मैंने कहा स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा बदली है और यहाँ पे उसके ट्रांसफॉर्मेशन के भी बारे में बात आती है यानी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाया है स्टोरी लाइन से और मूवी लाइन से। जैसे कि मैंने कहा मांगा में उसका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइम पे दिखाया गया है। नंबर टू, मिकासा एंड हांजी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मिकासा के मिस्टेक के बारे में बता दूँ, तो जैसे कि मैंने कहा मिकासा स्टोरी लाइन मतलब मांगा में वहाँ पे उसके साथ में रहते हैं पूरा टाइम और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे मूवी में वहाँ पे मिकासा यानी कि गायब हो जाते हैं एक अटैक टाइटन में, एक टाइटन उसको ले जाते हैं तो वहाँ पे वो गायब हो जाती है और 5 साल के बाद उसके कमांडर के साथ उसको मिलती है, पर वहाँ पे उसको वो पहचान नहीं पाती। तो ये स्टोरी लाइन मूवी में बताई है और मांगा में पूरी उसके साथ एरेन के साथ रहती है, पर यहाँ पे एक कैप्टन के साथ वहाँ पे दिखाए गए हैं। मिकासा अर्कमैन फैमिली यानी कि जो कैप्टन की फैमिली, अगर आपने मांगा देखा होगा तो आपको पता होगा ली जो है वो कैप्टन है उसको उसके स्क्वाड का, पर यहाँ पे मैं बता दूँ वो दोनों एक ही फैमिली के होकर भी नहीं है। और अब बात करते हैं हांजी के बारे में। जैसे कि मैंने कहा हांजी जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कॉमेडी और काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर्स ऐसा कैरेक्टर दिखाया है मूवी में, और जैसे कि मैंने कहा मांगा में भी सेम है, पर यहाँ पे मैं बता दूँ जो हांजी एनिमे यानी कि जो मांगा में है वो हांजी मूवी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे कि मैंने कहा जो इक्विपमेंट और जो हांजी जो मतलब बिहेव करती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, और उसके जैसे कि मैंने कहा जो उसके रिसर्च है काफ़ी ज़्यादा अलग मांगा और मूवी में काफ़ी ज़्यादा अलग बताया है। नंबर थ्री, लीवी आर्कमैन। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी में लीवी के कोई भी कैरेक्टर यानी कि कोई भी किरदार वहाँ पे बताया गया नहीं है, और जैसे कि मैंने कहा मांगा में वो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिखाया गया है लीवी आर्कमैन, और जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे मिकासा का भाई यानी कि उसके फैमिली लाइन में वहाँ पे उसको बताया गया है लीवी को। नंबर फोर, मूवी मिस कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो मांगा में जो कैरेक्टर दिखाया है वो मूवी में कहीं पे भी नहीं दिखाया है। जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐसे 4 या 5 कैरेक्टर्स है जो मूवी में दिखाए गए हैं, और जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से दिखा भी दिया है वो कौन से कैरेक्टर्स हैं। और इसके बाद मैं बता दूँ यहाँ पे जो कैरेक्टर जो बच जाते हैं उनमें काफ़ी कुछ प्रॉपर मतलब स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर वहाँ पे मूवी में क्यों नहीं दिखाया है वो अभी तक पता नहीं चला। तो यही बात है कि मूवी में वहाँ पे कम कैरेक्टर दिखाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्विक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाइए।